वेलकम स्टूडेंट, आज फिर से हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक और बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कल की वीडियो जो हमने डाली थी उसमें हमारा जो स्टेटमेंट था वो विजिबल नहीं था। उस कमी को दूर करने के लिए दोबारा फिर से एक मिनट फिर लगाएंगे और इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक स्टेटमेंट है पी एन, जहां एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अपने स्टेटमेंट पी एन को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, तब आपको यह काम तीन स्टेप में करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप आपका बोलता है स्टेप नंबर वन कि चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, यानी कि आप इसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे एन इज इक्वल टू वन के लिए। सेकेंड स्टेप बोलता है जब आप इस स्टेटमेंट को एन इज इक्वल टू के लिए एज्यूम करेंगे। पॉइंट ऑफ नोटेड, आपको सिर्फ एज्यूम करना है, वेरीफाई नहीं करना है। आप अपने स्टेटमेंट पी एन को एज्यूम करेंगे एन इज इक्वल टू के लिए। थर्ड स्टेप बोलता है आप अपने स्टेटमेंट को के प्लस वन के लिए, यानी इक्वल टू एन इज इक्वल टू के वन के लिए इसको वेरीफाई करेंगे। और जब के प्लस वन के लिए आप इसको वेरीफाई करें और आपका वेरिफिकेशन क्लियर हो जाए, तब हम क्लियरली कह सकते हैं हमारा जो स्टेटमेंट पी एन है वो ऑल नेचुरल नंबर्स एन के लिए वैलिडेट करेगा, यानी कि हमारी कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। आइए, आपके पास फिर से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने क्वेश्चन दिया है शो दैट फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। एन हमारा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके किसी भी नंबर को हम अगर ले लें तो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया स्मॉल एन, स्मॉल एन की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो एन की वैल्यू लीजिए। और आपको वेरीफाई करना है कि 7th पावर एन माइनस 3th पावर एन डिविजिबल बाय 4 होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, 7th पावर एन माइनस 3th पावर एन डिविजिबल बाय 4 होगा। एन की वैल्यू जो चाहे आप वो ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 1, उसको आपको वेरीफाई करना है एन इक्वल टू बेसिस स्टेप 1 के लिए। आप क्या करेंगे, एन इक्वल टू 1 लेंगे, यानी कि जहां जहां कहीं एन लिखा है वहां वहां आप 1 पुट करिए, आपको मिलेगा 7th पावर 1 माइनस 3th पावर 1। एन की वैल्यू आपने पुट की और 7th पावर 1 की वैल्यू आपकी 7, 3th पावर 1 3 इज इक्वल टू 4, और 4 को आप 4 से डिवाइड इजीली कर सकते हैं। इट मींस ये जो रिजल्ट आया है ये डिविजिबल बाय 4 है। अगेन स्टेप सेकंड आपका बोलता है कि आप इस चीज को एज्यूम कीजिए एन इज इक्वल टू के लिए। आपको क्या करना है, आपको एज्यूम करना है एन इज इक्वल टू के लिए। आप क्या करिए, एन इज इक्वल टू के लिए इसको एज्यूम करिए, तो आपको स्टेटमेंट मिलेगा 7th पावर के माइनस 3th पावर के इज डिविजिबल बाय 4। यहां एक छोटी सी चीज जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, डिविजिबल बाय 4 का मतलब है कि कोई भी नंबर जो आपके पास अवेलेबल है, इट मींस उस नंबर में कहीं ना कहीं 4 की मल्टीप्लीकेशन है। और अगर उस नंबर में 4 की मल्टीप्लीकेशन है, जब आप उस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो वो डिविजिबल हो जाएगा। यहां एक काम करते हैं, आपने कहा कि ये 7th पावर के माइनस 3th पावर के डिविजिबल बाय 4 है, तो यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर जरूर है जिसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, उसको हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ये एम है। इट मींस जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो डिविजिबल बाय 4 है, और डिविजिबल बाय 4 होने की कंडीशन ही यही होती है कि उसमें कहीं ना कहीं 4 की मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल है। इस चीज को मैं फिर से दोबारा शब्दों में लिख लेता हूं कि इट मींस मल्टीपल बाय 4। ये जो रिजल्ट हमारा आया है ये मल्टीपल बाय 4 है, ये हमने एज्यूम किया है। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 3 बोलता है प्रूव दिस फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को अब एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। इट मींस जहां जहां कहीं भी स्टेटमेंट में एन लिखा था वहां वहां अब आप के प्लस 1 लिखेंगे, तो आपको मिलेगा
सेवेंथ पावर के प्लस वन माइनस थ्री पावर के प्लस वन। यहां जो सबसे मेन चीज कंसेंट्रेशन की आपकी ये है, आप लोगों को एक स्टेटमेंट मिल गया, आपको स्टेटमेंट मिला सेवेंथ पावर के प्लस वन माइनस थ्री पावर के प्लस वन, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं हमको ये वाला पार्ट भी लेके आना है। यहां ही आप एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते हैं जब भी कभी मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी नंबर्स की तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है, तो अगर आप इस पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा सेवन इंटू सेवन पावर के, और इसको हम एज इट इज रख लेते हैं इंटू थ्री पावर के प्लस वन। चेक कीजिएगा, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लीकेशन करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा पावर्स ऐड होने के बाद वो के प्लस वन आएगा। अब यहां मुझे कोई ना कोई ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि मैं वापस इस कंडीशन को यहां क्रिएट कर दूं। अब मैं यहां सेवन को थोड़ी देर के लिए बाहर रख रहा हूं तो मुझे मिलेगा सेवन इंटू सेवन पावर के और माइनस थ्री पावर के। अब सोचने वाली बात यह है कि आपने सेवन टू सेवन पावर के तो कर दिया क्योंकि अवेलेबल था, लेकिन माइनस के थ्री पावर के तो आपके पास नहीं है, तो उसको क्या करें? उसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर एक और टर्म ऐड कर लेते हैं सेवन इंटू थ्री पावर के। अगर आप ध्यान से देखें तो सेवन इंटू थ्री पावर के माइनस है और सेवन इंटू थ्री पावर के यहां प्लस है, बाकी जो हमारे पास बचा हुआ स्क्वायर रूट को एलसीएम लिख देते हैं माइनस थ्री के प्लस वन। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास स्टेप है ये एज इट इज है, तो आप यहां क्या कर सकते हैं, आप यहां 4m एज कॉपी कर सकते हैं, कॉपी तो नहीं कर सकते, 4m लिख सकते हैं। तो आप क्या करें, इसकी जगह लिखें 7 इंटू 4m और प्लस, यहां अगर आप देखें ध्यान से तो कुछ कॉमन आ सकता है, यहां भी मेरे पास 3 पावर के है, वहां भी मेरे पास 3 पावर के है, तो मैं क्या करूं, मैं यहां से 3 पावर की कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा 7 माइनस 3। ये स्टेप मेरे पास है। अब इसको फर्दर में लिखता हूं तो मुझे मिलेगा 4m इंटू सेवन और प्लस 3 पावर k इंटू 4, यानी कि दोनों स्टेप में मेरे पास 4 अवेलेबल है। अब मैं इसमें से 4 को कॉमन ले रहा हूं तो मुझे मिलेगा 4 इंटू सेवन एम प्लस 3 पावर k। अगर आप इस स्टेप को ध्यान से देखें तो m की वैल्यू आपका मन है कुछ भी हो, मन नहीं है सॉरी, कोई भी वैल्यू हो, k की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन इसमें मल्टीप्लीकेशन 4 की है, तो यानी कि ये नंबर कुछ भी हो उसके अंदर अगर 4 की मल्टीप्लीकेशन है तब हम कहेंगे कि दिस इज मल्टीपल बाय 4, दिस इज मल्टीपल बाय 4। और अगर कोई भी नंबर मल्टीपल बाय 4 है तब हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। बस ये छोटी सी चीज आपको फिर से एक बार बोल करा लूं, आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आपने कहा है कि सेवन पावर n माइनस थ्री पावर n डिविजिबल बाय 4 होगा। उसके लिए हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता है फर्स्ट स्टेप आप इसको n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करिए, आपने वेरीफाई किया। सेकंड स्टेप बोलता है आप इसको n इक्वल टू k के लिए एज्यूम कीजिए, हमने एज्यूम कर लिया। थर्ड स्टेप बोलता है इसको n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वेरीफाई कीजिए, इसको हमने वेरीफाई किया। अगर हमारी तीनों चीजें वेरीफाई हो रही हैं, हमारा थर्ड स्टेप n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वेरीफाई हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n की किसी भी वैल्यू के लिए वेरीफाई करेगा। थैंक यू।